सीरीज टू यू लास्ट ईयर बट चलिए कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है सो so आज से हर वीकेंड पर हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ टू चूज द राइट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट अपने पीसी बिल्ड के लिए डिपेंडिंग ऑन द राइट यूजेज सिरियो फॉर यू किस तरीके बैलेंस बनाना है अगर एक गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने का सोच रहे हैं कॉम्पोनेंट्स में बैलेंस किस तरीके बनाना है अगर एक वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड बनाने का सोच रहे हैं या प्रोडक्टिविटी पीसी बनाने का सोच रहे हैं उसके में हाउ टू बैलेंस आउट ऑन द कॉम्पोनेट्स क्या क्या राइट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स आपको चूज करने बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और अगर ये सीरीज़ आपने पूरी देख ली, from start to the end, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है यूलर्ट बाई योर सेल्फ एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करने में फॉर योर पर्प फॉर योर राइट यूज इट सिनारियो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का टू द बेसिक्स ऑफ पीसी बिल्डिंग सीरीज so, को दोस्तों मैं बिगिनर इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल फ्रेंडली रखना चाहता हूँ तो इस पहले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उन 10 प्रोडक्ट्स की या उन 10 कंपोनेंट्स की जो कि आपको एक कंप्लीट सेटअप में हमेशा लगेंगे जब भी आप अपने लिए पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं नंबर वन इज द प्रोसेसर प्रोसेसर को हम लोग कहते हैं द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम तो प्रोसेसर सबसे पहली चीज जो हमें डिसाइड करनी है दैट हैज टू बी प्रोसेसर देखेंगे कि हमारा बजट कितना है प्लस हमारा वर्क पर्पस जो है वो क्या है हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोसेसर से उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेसर को चूज करेंगे प्रोसेसर को चूज करने के बाद में उसको ध्यान में रखते हुए हम बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स के ऊपर जो है वर्क अराउंड करेंगे प्रोसेसर आपको इंटेल की तरफ से मिल जाएगा एएमडी की तरफ से मिल जाएगा अगेन देर आर मल्टीपल लाइनअप जो की दोनों ही ब्रांड

वो एक मेजर फैक्टर बनेगा डिसाइड करने में कि कूलिंग सॉल्यूशन हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं वैसे कहने को तो बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे हैं जो कि आपको कुछ इस तरह के या फिर इस तरह के स्टॉक कूलर्स के साथ में मिल जाते हैं डिपेंडिंग आप इंटेल साइड जा रहे हैं ए एम साइड जा रहे हैं कौन से जनरेशन के साथ जा रहे हैं उसके हिसाब से स्टॉक कूलर आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे लेकिन कब स्टॉक कूलर को यूज करना है कब स्टॉक कूलर को यूज नहीं करना डिपेंडिंग हम कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसकी टी क्या है और वो उससे हम जो वर्क कर रहे हैं वो कितना डिमांडिंग है कि इतना प्रोसेसर यूजेज कितने लंबे टाइम तक रहता है फॉर एक्साम्पल अगर हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा प्रोसेसर रेंडर्स के पे 100 पर रहे वहीं अगर हम लोग कर रहे है, तो जरूरी नहीं है किसेंट से नीचे रहे तो प्रोसेसर किस काम में यूज हो रहा है और कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे स्टॉक right so, कूलर लेना है या फिर हमें आफ्टर मार्केट एयर कूलर या लिक्विड

चाहते हैं से मेरा मतलब क्या है लेट सपोज हम एक कोर आई सेवन थर्टीन सेवन हंड्रेड के लगा लेते हैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि रॉ परफॉर्मेंस ही चाहता है इससे स्टॉक परफॉर्मेंस चाहता है मैं इसे ओवर क्लॉक नहीं करना चाहता तो उस केस में मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को एक मिड लेवल बी सेवन सिक्सटी चिपसेट बेस्ट मदरबोर्ड के साथ में भी पेयर कर सकता हूँ मेरा काम इजिली हो जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी वहीं अगर मैं सेम प्रोसेसर से ओवर क्लॉकिंग करना चाहता हूँ मैं चाहता हूं एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी जो है वो भी मैं निकाल पाऊंगा अपने चिप से तब मैं वहां पर एक अच्छे Z790 चिपसेट बेस मदरबोर्ड के साथ में जाऊंगा तो मदरबोर्ड का चिपसेट कौन सा लेना है और चिपसेट्स में भी एंट्री लेवल मिड लेवल हाई एंड मुझे कहां तक जाना है इस बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे जाकर वीडियोस में जानेंगे नंबर फोर इज द रैम यानी कि सिस्टम मेमोरी अब मेरा प्रोसेसर डिसाइड हो गया मेरा कूलिंग सोलूशन डिसाइड हो गया मेरा मदरबोर्ड भी डिसाइड हो गया अब आ जाते हैं चौथी चीज पर कि रैम मुझे कौन सी लेनी है और कितनी लेनी है कितनी लेनी है का मतलब कैपेसिटी कितनी लेनी है डिपेंडिंग ऑन माई वर्कलोड मैं उस सिस्टम पर क्या करने वाला हूं एक गेमिंग सिस्टम पर मैं सिक्सटीन जीबी को भी इजिली पुल ऑफ कर सकता हूं अगर मैं टेन ए गेमिंग कर रहा हूँ तो वहीं अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो शायद मेरे लिए प्रीमियर प्रो चलाने के लिए वो सिक्सटीन जीबी इनफ ना हो मुझे थर्टी टू जीबी से स्टार्ट करना पड़े तो कैपेसिटी कितनी लेनी है उसके बारे में बात करेंगे

करनी है टू के करनी है या फोर के करनी है कौन सा कार्ड सही है अगर वीडियो एडिटिंग करनी है कौन से करने है? क्या मुझे, करना है, या मुझे करना है? दोनों में ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट अलग अलग है किसी में ज्यादा जीपीयू बाउंड है तो इन सब चीजों के बारे में बात करनी है ऑल्सो मुझे एनवीडिया लेना है एम लेना है या इंटेल लेना है एंट्री लेवल कार्ड लेना है मिड लेवल कार्ड लेना है या हाई एंड कार्ड लेना है कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कार्ड कौन सा होना चाहिए मेरे लिए ठीक इस किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बट वही स्टोरेज के मामले में आपने एक मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगा ली तो भैया गुड गोबर बर्बाद कर दिया आपने अपना पैसा आपको स्नैपीनेस सिस्टम में मिलेगी नहीं तो देखो यह बात तो सिंपल है कि एस तो लगानी ही लगानी है और और क्योंकि आजकल जो अपना NVMe SSD ड्राइव्स हैं उनकी भी प्राइसिंग बहुत सेंसिबल हो चुकी है तो वो तो लगानी ही लगानी है लेकिन कितनी लगानी है और किस केस में मुझे SSD और हार्ड ड्राइव के बीच में एक बैलेंस बनाना है जहां मुझे स्टोरेज ज्यादा चाहिए और उतना ज्यादा SSD स्टोरेज में अफोर्ड नहीं कर सकता तो कैसे राइट right बैलेंस बनाना है वो भी एक जानने वाली बात है कंपोनेंट नंबर 7 इज द राइट पावर सप्लाई पावर सप्लाई यानी कि पी एस यू पावर सप्लाई यूनिट वन ऑफ़ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट्स आपका, आपका हार्ट है जिसका काम है हर एक ऑर्गन तक सही टाइम पर सही अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करना अगर नहीं पहुंचेगा ब्लड सही टाइम पे सही क्वांटिटी में तो वो ऑर्गन फेल हो सकता है सिमिलरली पावर सप्लाई आपके पीसी बिल्ड में आपके सिस्टम में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करेंट वोल्टेज आपके कॉम्पोनेंट तक पहुंचा रहा है अगर उस कॉम्पोनेट को राइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज नहीं मिलेगी जब उसको जरूरत है नहीं मिलेगी उस टाइम पर तो विल मोस्ट लाइकली फेल तो अगर आपने अच्छे से अच्छे कॉम्पोनेट लगाए हैं आपने लाखों रुपए अपने पीसी बिल्ड में लगा दिए लेकिन पावर सप्लाई पर चीप आउट कर गए ना यू आर रिस्किंग दैट ऑल जितना पैसा आपने स्पेंड किया है सारा रिस्क कर रहे हो तो यहां पर तो भैया दिमाग लगेगा चूज करने में नेक्स्ट प्रोडक्ट नंबर एट कम्स द राइट केस वैसे कहने को तो जो पीसी केस है जो आपके सिस्टम के जो है, उनको अपने अंदर करने वाला है अपने बट आज कल जीबी ग्लैम के चलते डिजाइन दस तरह की चीजें तो राइट केस कैसे चूज करना है ये करेगा इस चीज पर कि बाकी मैं कौन से लगा रहा हूँ क्या मेरा सीपीयू कूलर फिट होगा इस केस में क्या मेरा ग्राफिक्स कार्ड को ये अपने अंदर इजीली इंस्टॉल

अब हम लोग इस सीरीज को सिर्फ पीसी बिल्ड तक सीमित नहीं रखेंगे वी विल कम टू द देरीफेरल्स एंड डिस्प्ले एज वेल अब आपने पीसी तो बना लिया पीसी बिल्ड हो गया बट पीसी आउटपुट कैसे देगा आपको उसको देखना है यू नीड एन आउटपुट डिवाइस तो वहां पर यू हैव टू चूज द राइट डिस्प्ले फॉर यू इट कुड बी योर मॉनिटर इट कुड बी योर टीवी जो कि आप यूज करते हैं अपना अब उसमें कैसे हमको चॉइस करनी है हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर क्या होते हैं कहाँ यूज होंगे डिस्प्ले का पैनल कौन सा मुझे चूज करना है कौन से ब्रांड के साथ जाना है है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है सब बात करेंगे डोंट वरी नंबर टेन पेरीफेरल्स पेरीफेरल्स बहुत जरूरी चीज है क्यों क्योंकि आपका जो सिस्टम है दैट इज समथिंग जो कि मैनुअली ऑपरेट होता है आपका पीसी बिल्ड ऑटोमेटिक नहीं चलता आप उसको कमांड देंगे मींस आप उसको इनपुट देंगे तब वो आपको आउटपुट देगा है ना स्कूल में में पढ़ा पढ़ा था था हम लोगों ने चीज छोटी छोटी क्लास में पढ़ा था, तो वो इनपुट मैं दूंगा कैसे मैं कैसे बताऊंगा मेरे सिस्टम को कि भैया मैं आपसे ये ये करवाना चाहता हूँ मुझे ये करके दो आई नीड माई पेरीफेर मतलब मुझे मेरा की और माउस लगेगा उसको इनपुट देने के लिए ताकि वो मेरे डिस्प्ले पर मेरे मॉनिटर पर मुझे कुछ आउटपुट दिखा पाए तो की माउस

यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपना सिस्टम के कॉम्पोनेट खुद से एटलीस्ट सेलेक्ट कर पाए जो कि आपके लिए सही रहने वाले हैं आपके वर्क पर्प के अनुसार बिल्ड आप कहीं से भी करवा सकते हैं और बिल्ड कहीं से भी करवा सकते हैं मुझे याद आया अगर आप करवाना चाहते हैं अपने लिए एक परफेक्ट पीसी बिल्ड इट कुड बी फॉर गेमिंग इट कुड बी फॉर प्रोडक्टिविटी और किसी भी काम के लिए ट्रेडिंग के लिए भी तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डब्ल्यू और यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ड मशीन में से या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन आप चाहते हैं आप सजेशन चाहते हैं और फिर पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम आपकी सेवा में बैठी हुई है हम लोग आपके घर पर आपके डोर स्टेप पर ऑल ओवर इंडिया शिप एंड डिलीवर करते हैं नीचे लिंक्स दिए गए हैं वहां से जाकर आप आज ही मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं तो दोस्तों पूरा प्यार और सपोर्ट इस सीरीज पे आना चाहिए तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत दिल से करेंगे और इस तरीके करेंगे कि ये वीडियो जब भी देखी जाए आने वाले एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद कोई भी इन वीडियो को देखे तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ टेक अवे कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही लेकर ही जाए और उसको हेल्प आउट करे वीडियो वीडियो so, पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक like ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेलाइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले तो so, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में टिल देन चीयर्स